सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के लैंसडाउन से भाजपा विधायक और तथाकथित महंत दलीप सिंह रावत का एक सनक भरा हनक भरा वीडियो वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के किसी विधायक या मंत्रियों का कोई इस तरह का दुस्साहसी वीडियो सामने आया हो। इससे पहले भी हमने सत्ता का नग्न प्रदर्शन देहरादून के अंसल ग्रीन वैली में देखा, जहां 5 भाजपा के पार्षदों ने एक मंत्री के इशारे पर उद्योगपति प्रवीण भारद्वाज के घर पर उसके परिवार पर धावा बोल दिया। उसके अलावा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वो वीडियो तो जिसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमें शर्मसार कर दिया वो कोई भूला नहीं है, जिसमें सरेआम वो अपने गनर और ड्राइवर के साथ एक आम कार्यकर्ता के साथ हाथापाई मारपिटाई कर रहे हैं। संगठन ने या सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ये गंभीर प्रकरण की परिधि में नहीं माना गया, इसीलिए शायद विधायकों के मंसूबे और मजबूत होते चले गए। अरे अरे क्या हो गया जी? बच्चे हैं घर में, बच्चे घर में, बच्चे घर में, आप बच्चे घर में, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप बच्चे घर में, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भारती जी सब लोग सारे पिता जी, हाँ आप जाइए, आप जाइए, अगर किसी को कुछ हुआ मैं देखूंगा। बच्चे हैं घर में, आप लोग इस तरह मीडिया कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ भारती जी सारे फैकल्टी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, सारे फैकल्टी स्कूल सबको जितने भी हैं। उत्तराखंड में कहा जाता है कि अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, बल्कि इसके उलट सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि बेलगाम हो चुके हैं, पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई आजकल देखी जा सकती है वो इसी का परिणाम है। सड़क परिवहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी को जिस तरह से सरेआम सड़क पर दलीप रावत धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं और उसको मारने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे कहीं से भी वो एक महंत तो कतई प्रतीत नहीं होते। एक महंत तो शांत और सरल स्वभाव का होता है, वो तो गुस्सा पीने वाला होता है, और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका आचरण तो युवा पीढ़ी के लिए अनुसरणीय और अनुकरणीय होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों कि लगातार अपने प्रचंड बहुमत के मद में मस्त होकर ये जनप्रतिनिधि लगातार उत्तराखंड को बिहार और यूपी बनाने पर तुले हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।